अस्सलाम थोड़ी देर में सब स्टार्ट करते हैं। लिंक को शेयर कर दें, आप जहां पर भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। राइट नाउ हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लें, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वालेकुम सलाम। राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर अदर्स टू कम एंड ज्वाइन अस। Kindly थोड़ी देर वेट करें, आवाज आपको आ जाएगी, सही हो जाएगी सारा कुछ। अभी जस्ट हम वेट कर रहे हैं, एक दफा आ जाएं सारे तो फिर जब स्टार्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं ना आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जब तक बाकी लोग आते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट भी कर लेंगे। सो राइट नाउ लेट मी शेयर। ओके, स्क्रीन आप सबको नजर आ रही होगी तो बस इसको दो 10:06 और 10:09 पे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक आप इस लिंक को अपने प्रोफाइल पर जहां पर भी शेयर कर सकते हैं शेयर करें ताकि बाकी लोग आएं और हम इसको जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें।
ओके तो लास्ट मिनट है जी, उसके बाद इसको स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी हैं सब लोग? आवाज अब मेरे ख्याल में अब सही हो जाएगी। जी कैनवा पे बनी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, टाइम हो गया हमारा, तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहज़ेब उल हसन है और हम ये जो वर्डप्रेस कोर्स कर रहे हैं ये इसका लेक्चर नंबर 6 है। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर किए थे उनके अंदर हमने ये चीजें आप तमाम लोगों ने कर ली, आपने डेट सेलेक्ट कर ली है, होस्टिंग ले ली है, डोमेन ले ली है, फिर डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट कर लिया है, और उसके बाद हमने कंट्रोल पैनल के बारे में पढ़ा और वहां से हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल भी कर लिया। ठीक है, तो तमाम लोगों का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और राइट नाउ आप लोगों को स्क्रीन पर एक जो डिफॉल्ट जो थीम है वो शो हो रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हेलो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन कैसे करेंगे और वेबसाइट को चलाना कैसे और बाकी चीजें कैसे करनी है। ठीक है, तो बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम ये सारी चीजें सीख लेंगे। तो जी इंतजार जो है आपका जल्द खत्म होने वाला है, हम अब चल रहे हैं उस तरफ। लेकिन उस तरफ जाने से पहले एक चीज है जो बहुत से लोगों ने नोट की होगी, वो क्या कि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट्स जो होती हैं, आप लोगों ने देखा वहां पर लिखा होता है HTTPS और ये इस तरह से लॉक बना होता है ये। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखें ये बना हुआ है ना लॉक। ठीक है, ये लॉक का क्या मतलब होता है और यहाँ पर लॉक नहीं बना हुआ इसका क्या मतलब होता है? देखें, अगर आपकी वेबसाइट की जब URL लिखते हैं और साइट पर ये लॉक बना होता है इसका मतलब है आपकी वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। अगर नहीं बना हुआ इसका मतलब वेबसाइट सिक्योर नहीं है, मतलब वहां पर डिफरेंट चीजें डाटा वगैरह चोरी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी वेबसाइट सिक्योर नहीं है और वहां पर कोई बंदा क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाता है तो उसका क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या डिफरेंट चीजें होती हैं वो सारी की सारी स्टील हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारी वेबसाइट क्या हो, सेफ हो। ऐसे ही है ना, हमारे लिए क्या जरूरी है कि हमारी वेबसाइट क्या हो, सेफ हो। ठीक है, इस बात से तो सारे एग्री करोगे कि जाहिर बात है हमारी वेबसाइट सेफ होनी चाहिए ताकि किसी को कोई इशू ना हो। अगर हमारी वेबसाइट सेफ नहीं होगी तो क्या होगा, तो क्लाइंट्स वगैरह भी नहीं आएंगे। ठीक है, कोई भी लोग या जो भी बंदा आना चाह रहा है तो वो नहीं आएगा, वो कहेगा यार इसकी वेबसाइट तो सिक्योर ही नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमारी वेबसाइट सिक्योर हो। इसको हम कहते हैं SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं SSL सर्टिफिकेट। तो SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक है, ये हमारे और सर्वर के दरमियान। ठीक है, अब मैं ये एक वेबसाइट देख रहा हूं, मैं canva.com ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये canva.com पर ये जो फाइल्स पड़ी हैं सर्वर के ऊपर पड़ी है ना, जो मुझे शो हो रही है, अब सर्वर और मेरे दरमियान एक समझ लो एक गार्ड आ गया, इसको कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, ऐसे गार्ड आ गया। गार्ड क्या करता है, वो पहले चेक करता है। ठीक है, वो चेक करता है कि भाई ये जाने वाला, ये जो बंदा इस घर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये कोई चोर वगैरह तो नहीं है या इसके पास कोई पिस्टल वगैरह तो नहीं है, वो चेक करता है। ठीक है, चेक करने के बाद उसको अंदर भेज देता है जब वो उससे कोई खतरा ना हो। ठीक है, तो इसकी अगली में ये आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगी। ये देखो ये सर्वर है, यहाँ पर हमारी फाइल पड़ी हुई है, ये बंदा उसका ये टैब है, समझ लो ये टैब है। ठीक है, वो टैब पे वेबसाइट जैसे ओपन करेगा तो सर्वर पे यहाँ से फाइल डायरेक्ट शो करने के बजाय दरमियान में आ जाएगा SSL सर्टिफिकेट। उससे क्या होगा, ये समझ लो ये गार्ड है, इस तरह गार्ड होते हैं ना स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, तो ये गार्ड है, ये चेक करके भेजेगा भाई कोई खतरा तो नहीं है, कोई स्पैम तो नहीं है, कोई हैकिंग ट्राई तो नहीं कर रहा, डिफरेंट चीजें मालवेयर वगैरह तमाम चीजों से ये क्लियर है, तो ये इसको पास करेगा, ये फाइल शो करेगा। तो
इसका मतलब ये गार्ड होना, ये सिक्योरिटी गार्ड होना हमारी वेबसाइट के लिए जरूरी है ताकि हमारी वेबसाइट सेफ रह सके। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर भी मैं बता रहा हूं, ये देखो, ये यहाँ दरमियान में ये लॉक जो है ये समझ लो गार्ड है, यहाँ पर लॉक नहीं होगा। जब आपकी वेबसाइट सिर्फ HTTP होगी तो मतलब लॉक नहीं है, हैकिंग, चोरी चोरी सारा कुछ हो सकता है, लेकिन जब ये लॉक आ गया तब ये चीजें कम हो जाएंगी, मतलब चांसेस कम है। क्लियर? तो अब हमें क्या सीखना चाहिए कि अपनी वेबसाइट को सिक्योर कैसे करना है, हमें यही सीखना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए कि अगर ये इतनी काम की चीज है तो हमें अपनी वेबसाइट के लिए भी इस चीज का पता होना चाहिए, हमें लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्लाउड फ्लेयर फ्री SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, हाँ ठीक है, वो बेशक नो किया था, अभी देखें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्लाउड फ्लेयर एक कंपनी है जो कि फ्री SSL की सहूलत देती है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो फ्री वो गार्ड दे रही है हम अपनी वेबसाइट पे लगा के उसको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम इससे फायदा उठाएं और अपनी वेबसाइट को सिक्योर करें। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक दफा मैं दिखा दूं आपको ताकि आप लोगों को चीज ज्यादा, क्योंकि जो चीज देखी हुई होती है ना वो ज्यादा आसानी से समझ भी आती है। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पर ये वेबसाइट थी जहां पर इंस्टॉल किया था आप सब लोगों ने, तो आप यहाँ पर देखो ये सबके पास ये बना होगा, ये देखो ये वार्निंग का निशान बना हुआ, ये देखो यू कैन नॉट, यूर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, ये बता रहा है नॉट सिक्योर। कोई बंदा इधर आए भी आएगा भी ना, अगर आपने कोई चीज बेच रहे हो या कोई भी चीज है, वो यहाँ पर आके डर जाएगा, यार ये तो वेबसाइट सिक्योर ही नहीं है, छोड़ो पर इसको बंद करो। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ये सिक्योर हो जाए और वो लॉक बन के आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? चलें कि किस तरह से सिक्योर करना है, जल्दी से अगर ये क्लियर है तो क्लियर लिख दो, फिर हम चलते हैं। बिल्कुल, SSL होस्टिंग वाले भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कुछ होस्टिंग वाले नहीं प्रोवाइड करते, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर वो नहीं भी करते तो आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब आप लोगों ने करना क्या है, करना आप लोगों ने ये है, आप लोगों ने वेबसाइट ओपन करनी है क्लाउड फ्लेयर। ठीक है, ये वेबसाइट है क्लाउड फ्लेयर, ठीक है, ये आप लोगों ने ओपन करनी है। ठीक है, और इसके ऊपर आपने करना है साइन अप। ठीक है, इसके ऊपर क्या करना है, वेबसाइट ओपन करके cloudflare.com साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा कि आप अपना ईमेल रखें और पासवर्ड रखें, तो यहाँ पर मैं ईमेल और पासवर्ड जो है वो एंटर कर देता हूँ। ठीक है, राइट नाउ जो मेरे पास अभी एक्सेस है उसना की वेबसाइट का है, तो मैं अभी उसी का ही ईमेल और पासवर्ड जो है वो यहाँ पर रखता हूँ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं उसका ईमेल, ठीक है, और पासवर्ड भी उसको मैं रख देता हूँ। ओके, ये मैंने कर दिया क्रिएट अकाउंट। ठीक है, ये पासवर्ड और वो मैंने रख दिया इसका। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट कर लोगे, यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, ये पूछ रहा है भाई आपने कौन सी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर उसका एड्रेस लिखो, इंटर यूअर साइट example.com। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इनकी, ये है sheikhsanaashraf.com, तो इसी को यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, पीछे HTTP या कुछ भी ना हो, ये आपने कार्ड देना। ठीक है, सिर्फ वेबसाइट का नाम .com, सिंपल। ठीक है, ये वाली वेबसाइट मैं सिक्योर करना चाह रहा हूं, तो और यहां पर ऐड साइड के ऊपर क्लिक कर देना, सिंपल क्लिक कर दिया। अब ये आपसे कह रहा है कि आपको कौन सा प्लान चाहिए, इनके डिफरेंट प्लान है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, फ्री वाला।
हमारे लिए फ्री वाला काफी है, तो हमने फ्री वाले पे क्लिक करना है और कंफर्म प्लान। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये देखो ये क्या कर रहा है, स्कैनिंग फॉर एग्जिस्टिंग डीएनएस रिकॉर्ड चेक कर रहा है कि हमने जब डीएनएस में नेम सर्वर रखे थे ना कुछ, ये खुद ही चेक कर रहा है अभी क्या क्या आपने रखे थे। उसको चेक करने के बाद ऑटोमेटिकली उसके बाद ये आ जाएगा, आपने नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना, यहाँ पर कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर दिया। अब ये देखो ये कह रहा है कि आपने डीएनएस ये रखे थे, क्या हमने यही रखे थे, यही रखे थे ना हमने उधर ns1. जो गोडैडी में जाके जो नेम सर्वर चेंज किए थे, ये चार रखे थे सबने, क्योंकि सबने यहीं से लिपाई की थी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अब ये क्लाउड फ्लेयर कह रही है कि मैंने पता लगा लिया है कि आपने ये रखे थे, अब आप क्या करो, रिमूव करो, ये रिमूव दीज नेम सर्वर को रिमूव कर दो और रिप्लेस कर दो, इनकी जगह क्या लिख दो, ये दो रख दो, ये jacqueline.ns.cloudflare.com एक रख लो और दूसरा क्या रख लो, rustam.ns.cloudflare.com, ये दो रख लो, ये डिलीट कर दो। ठीक है, तो अब जब आप अकाउंट बनाओगे, अपनी वेबसाइट इंटर करोगे, आपको जरूरी नहीं ये वाले दें, आपको डिफरेंट दे सकते हैं, जो भी कहे ना आपको ये रिप्लेस कर दो, आपने वो दोनों रिप्लेस करने। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब दोबारा मैं क्या करूंगा, godaddy.com वेबसाइट ओपन करूंगा। ठीक है, ये मैं ओपन कर रहा हूं, हम जाएंगे जहां से हमने डोमेन खरीदी होगी ना उधर ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, अब ये godaddy.com पे मैं आ गया हूं और यहां पर देखो ये जहां से हमने ये चेंजिंग करनी, तो डीएनएस में जाके हमने नेम सर्वर वो जो कह रहे हैं वो रिमूव कर दो चार और उसकी जगह वो कर दो, तो ये देखो ये चार थे, मैं चेंज पे क्लिक कर रहा हूं। अच्छा अब ये देखो चेंज पे क्लिक किया तो ये चार है, इनको डिलीट करना है ना, तो ये देखो ये डिलीट वाला बटन है, यहां से ये दो तो पहले वैसे डिलीट कर दो, बाकी दो को हमने रिप्लेस करना है, तो देखो पहले की जगह क्या रखना है, क्लिक टू कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया सारा और इसको यहाँ पर पेस्ट, ये देखो यहाँ पर ये रख दिया क्योंकि उसने कहा था ये वाला रखो, नेम सर्वर वन ये रखो, टू कौन सा रखो, ये वाला, तो ये कॉपी और ये मैं रख देता हूँ नीचे वाले, बस ये दो रख दिए, सेव कर दो, बस इतनी सी बात है, बताओ मुश्किल है, और इसको यस कर दो, बस इतनी सी बात है। और ये जी आपने क्लाउड फ्लेयर का SSL का जो लगा दिया, लेकिन अब यहां पर एक चीज बता दूं, ये DNS सिस्टम को चेंज होने में 24 आवर लगते हैं प्रोपगेट होने में, तो यहां पर भी आपने वेट करना है, ये स्टेप कर लेना आप लोगों ने, ठीक है, उसके बाद वेट करना, ठीक है, ये स्टेप कर लेना और उसके बाद आप लोगों ने वेट करना है आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली, उसके बाद क्या स्टेप करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहां तक क्लियर है, ये जिसको वीडियो ब्लर आ रही है उसके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आ रही होगी, लेकिन बाद में क्लियर हो जाए। अच्छा ये चीजें सारी क्लियर हो गई, अब आगे चलें, इतना सा ये काम तो कर लोगे ना सारे, सिर्फ इतना सा काम करना है। अच्छा अब जब ये हो जाएगा स्टेप, उसके बाद आप लोगों ने, ये हमने स्टेप क्यों किया है, ताकि हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकें, हमारी वेबसाइट सिक्योर हो सके। अब क्या होगा, जब भी कोई बंदा वेबसाइट ओपन करेगा तो हमारी वो डायरेक्ट फाइल सर्वर से दिखाने से पहले ये यहां से गुजर के जाएगी, ठीक है, क्लाउड फ्लेयर से, ठीक है, यूं समझ लो क्लाउड फ्लेयर सिक्योरिटी गार्ड, आसानी से आसान अल्फाज में समझाने के लिए, पहले सिक्योरिटी गार्ड से गुजर के फिर आपके वेबसाइट देखेगा, ताकि आपकी वेबसाइट को कोई खतरा ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये स्टेप हमने कर लिया, उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद क्या करना है लेक्चर में देखते हैं जी, उसके बाद क्या चीज है। अच्छा ये चीज हो गई, अब क्या हो गया, हमारी वेबसाइट सिक्योर हो गई है, मतलब हमने फ्री SSL अगर लगा दिया तो हमारी वेबसाइट सिक्योर हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो मेन चीज है हमारी वर्डप्रेस थीम, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हमने ये चीज हमने पढ़नी है, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि जब आप ये कर लोगे स्टेप, ये वाला स्टेप कर लोगे, तो उसके बाद आप लोगों ने एक चीज और करनी है, ये वाला स्टेप करने के बाद आप लोगों ने यहां पर आना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है, उसको लॉगिन करने है, मतलब वर्डप्रेस को लॉगिन करने के बाद। अच्छा अब यहां पर देखो तो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, तो यहां पर आने के बाद एक
ये यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये ऑप्शंस क्या हैं इसके बारे में भी हम बारी बारी देखेंगे। तो राइट नाउ आपने वेट करना है डीएनएस कंप्लीट होने का, ताकि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाए। जब आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाए, ठीक है, जब आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाए, आपको कैसे पता चलेगा मेरी वेबसाइट सिक्योर हो गई है? आपने ये वेबसाइट का ये नाम कॉपी करना है, ठीक है, और इसको न्यू टैब पे ओपन करना है। ये अब देखो HTTPS लिखा हुआ, HTTP लिखा हुआ ना, यहाँ पर क्लिक करना है और S लगा देना। S लगाने के बाद ओपन करना है, ठीक है। अगर ये S लगाने के बाद ओपन ना हो, ये आ जाए योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, ठीक है, या इस तरह से आ जाए, इसका मतलब अभी तक सिक्योर नहीं हुई। अगर S से ओपन हो जाए, इसका मतलब सिक्योर हो गया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्लग इन में जाना है। प्लग इन हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट चीजें करने के लिए, अगर हमें कोडिंग करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोगों ने ऑलरेडी कोडिंग करके वो फंक्शन बनाए हुए हैं, हम जो फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। तो बजाय इसके कि हम खुद से फंक्शन क्रिएट करें, वेबसाइट पे ये करना चाह रहे हैं, कोडिंग करें, तो हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से ऐड कर सकते हैं बने बनाए फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है, जब आपकी HTTPS पे ओपन हो जाए, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहां पर आकर आप लोगों ने लिखना है सिंपल SSL, ठीक है, सिंपल SSL, ये प्लग इन है, रियली सिंपल SSL, ये वाला प्लग इन आप लोगों ने इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना। ये देखो मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक्टिवेट लाजमी करना है, बहुत से लोग भूल जाते हैं, ये एक्टिवेट करना नहीं बोलना, एक्टिवेट करोगे तो क्या होगा, आपको फिर ये HTTPS लिखना नहीं पड़ेगा। कोई बंदा बेशक सिर्फ sheikhsanaashraf.com भी लिखेगा ना, ऑटोमेटिकली HTTPS पे ओपन होगी, ठीक है। कोई HTTP के साथ भी लिखेगा ना, ऑटोमेटिकली वो S पे ही ओपन करेगा। ये फोर्स कर देगा कि वेबसाइट HTTPS सिक्योर वाली ही ओपन हो। ये प्लग इन हमें क्या करता है, ये फायदा देता है। देखो नो सेटअप रिक्वायर्ड, यू ओनली नीड SSL सर्टिफिकेट एंड दिस प्लगइन विल डू द रेस्ट, मतलब ये प्लगइन बाकी सारा काम खुद करेगा, ठीक है। इसको एक्टिवेट कर देना, बस इतना सा काम है, ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बताओ ये यहां तक क्लियर है, ताकि SSL वाला तो क्लियर हो जाना सबका। मैं ये चाहता हूं कल सबका SSL एक्टिव हो, ठीक है। अब हम आते हैं थीम की तरफ, ये बिल्कुल प्लगइन्स आर एडिशनल फंक्शनैलिटीज जो कि हम रखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर। अच्छा, ये चीजें सारी क्लियर हो गई हैं, अब हम आते हैं थीम की तरफ, अब हम आते हैं थीम की तरफ। ओके, थीम के लिए थीम होते क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हम क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस के थीम्स के लिए जो सबसे बड़ी वेबसाइट है ना, जहां पर सबसे ज्यादा थीम होते हैं, वो है themeforest.net, ये वेबसाइट है, ठीक है। यहां पर अन्यवाह समझ लो थीम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, थीम्स ही थीम्स पड़े हुए हैं जी, ठीक है, और लोग यहां से बाय कर रहे हैं। ये देखो इस हफ्ते में ये थीम सबसे ज्यादा सेल हुए हैं, ये देखो ये $60 का है, ये $39 का, ये $59 का, ये $59 का। तो ये थीम आखिर इसमें है क्या, हमें तो यहाँ पर इस तरह से नजर आ रहे हैं, इसमें क्या है? तो मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, भाई ये कह रहा है भाई $60 दो, ये थीम खरीद लो, इस थीम में क्या है मुझे क्या पता। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। अब ये थीम आगे यहाँ पर लिखा हुआ है $60 का है, रेगुलर लाइसेंस है, और इसके अंदर क्या क्या है, ये फास्ट है, हेडर बिल्डर है, ये नीचे सारी उसके बारे में चीजें लिखी हुई हैं, ये चीजें हैं, यहाँ पर इतने लोगों ने इसको अच्छा रिव्यू दिया हुआ है, और ये डिफरेंट चीजें। लेकिन फिर भी अगर मुझे समझ नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लाइव प्रिव्यू, मतलब मैं लाइव देख सकता हूँ कि इस थीम के अंदर क्या क्या चीजें। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया लाइव प्रिव्यू के ऊपर, जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखो ये बने बनाए डिजाइन जो है यहाँ पर इस थीम के अंदर जो मौजूद हैं वो मुझे यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो भाई अगर मैं ये खरीद लूँ, ठीक है, तो अपनी वेबसाइट पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो इसके सारे फीचर्स भी शो हो रहे हैं, ये देखो ये उसके फायदे हैं, ये कुछ के डेमोज नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर साइड पे लिखा हुआ है डेमोज, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो
ये वेबसाइट्स जो हैं बनी बनाई डिजाइन जो है उसके यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये है क्रिप्टो का, इसको ओपन करता हूँ। ये फूड से रिलेटेड ये कह रहे हैं हमने डिजाइन बनाया हुआ है, अगर आप ये खरीदते हो तो ये तमाम डिजाइन आपको मिलेंगे साथ, ठीक है। अच्छा, अगर ये एक ही $60 के अंदर ये सारे हैं इंक्लूड है, ठीक है। ये वाला अगर आपको चाहिए ये भी देख लेते हैं, देखो इतने सारे मैं बारी बारी ओपन करके देख लेता हूँ। ये देखो ये वाला अगर आप इंस्टॉल करोगे, देखो इसके अंदर ये सारे थे, ये अवादा थीम है, उसके अंदर ये बहुत सारे बने बनाए डिजाइन है। तो अगर मैं ये अवादा थीम खरीद लेता हूँ ये सारे डिजाइन मुझे साथ मिलेंगे, और ये डिजाइन देखो ये इस तरह से बना हुआ है, ये देखो बना बनाया। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ ये बना बनाया डिजाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकता हूँ, ये सारा कुछ ऐसे कैसे आ जाएगा। और इसके अंदर एडिटिंग भी कर सकता हूँ, जहां पर चेंजिंग करनी है, नाम चेंज करने, तस्वीर चेंज करनी है, सारा कुछ कर सकता हूँ। तो ये देखो ये फूड वाला भी डिजाइन बना हुआ है, अगर कोई क्लाइंट मुझे कहता है मुझे फूड वाली वेबसाइट बना दो, अगर मैंने अवादा खरीदा हुआ है इसके अंदर तो पड़ा हुआ है, फूड वाला है ना इसके अंदर, तो वो मैं इसको इंस्टॉल करके देखो इस तरह से वेबसाइट उसकी बनी बनी आ जाएगी। 5 मिनट में ये थीम आप अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। यूं समझ लो कि आपने ब्रांडेड सूट खरीद लिया, मतलब ब्रांडेड सूट जो कि एक होता है अनस्टिच, ये स्टिच सूट है आपका, ये आपने खरीदा और आप फौरन पहन सकते हो, ठीक है। तो ये समझ लो ये आपकी वेबसाइट का सूट है, आपने खरीदा और वेबसाइट के ऊपर फौरन से उसको पहना सकते हो, ठीक है। अनस्टिच में क्या होगा, अनस्टिच यूं समझ लो कोडिंग करनी पड़ेगी आपको, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, जैसा दर्जी होता है पहले सीखता है काटता है कि वो उसमें टाइम लग जाता है। तो ये क्या है, ये आपके पास स्टिच सूट है आपके वेबसाइट के लिए, आप उसको फौरन पहना सकते हो, तो ये बने बनाए सूट है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में ज्यादा आसानी से आप लोगों को इस तरह समझ जाएगा। ये देखो ये भी बना बनाया एक सूट है आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं वो ना थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि जी सर ना हमें स्टिचिंग वाले जो सूट तो दिखा रहे हैं लेकिन सर हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमने पहले इतने लगा दिए हैं डोमेन पे होस्टिंग पे। तो फिक्र नहीं करनी, आपको ये थीम जो है पेड, पैसों वाली, ये पेड थीम मैं दूंगा आपको फ्री, ठीक है। जितने लोग एक्टिव हैं अभी लेक्चर ले रहे हैं सबको फ्री मिलेगा। बस आप लोगों ने अभी एक काम क्या करना है, अभी जितने लोग बैठे हो अभी यहाँ पर अपना अपना ईमेल एड्रेस लिख दो, क्योंकि मैं देख लूंगा जो जो आज लेक्चर ले रहे हैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर अभी टाइप कर दो, तो मैं उनको फ्री जो जो होंगे हमारे थीम होंगे वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सारे लोग अभी यहाँ पर मैसेज में अपना ईमेल एड्रेस लिख दो, हमारी टीम बाद में जो जिस जिसने ईमेल एड्रेस लिखा होगा उसको प्रोवाइड कर देगी। जल्दी से लिखें, ओके जी, जल्दी से यहां पर टाइप कर दें। फॉरन नहीं होगा, अच्छा ये बता दूं आपको, एसएसएल सिक्योर नहीं हुआ, वो फॉरन नहीं होता एसएसएल, मैंने आपको कहा ना इंतजार करना पड़ता है, डीएनएस 24 आवर लेता है ना, जिस तरह पहले हमने चेंज किया था 24 आवर वेट किया था, सेम यहां पर भी वेट करोगे हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने अभी आपको नहीं दिखाया, ओके। ये सबका ईमेल एड्रेस लिख दो काइंडली जल्दी से, जो ईमेल एड्रेस नहीं लिखेगा फिर मुझे ना कह के मुझे नहीं मिला, जो भी ऑनलाइन बैठे हैं, नहीं अवादा जरूरी नहीं अवादा मिले आपको, ठीक है। ये देखो ये भी अवादा पर है, अच्छा अब यहाँ पर तो और भी है ना थीम, ये तो ये कुछ क्यों समझ लो जिस तरह से आप कपड़े लेते हो ना, कौन से ब्रांड है, एक वर्दा है ब्रांड, ठीक है, या जे डॉट जो है ब्रांड है, ठीक है, ये समझ लो ये अवादा एक ब्रांड है, ठीक है। यहाँ आपने उसके जो थे डिजाइन देखे हैं, उसके जो स्टिच कपड़े थे उनके डिजाइन देखे हैं, ठीक है। तो यही चीज अब हम किसी और का देखते हैं, ये देखो ये एक और ब्रांड है द सेवन, ये कह रहे हैं हमारे पास इससे भी अच्छा और आला क्वालिटी के डिजाइन है, अब हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ये फ्लैट सम है एक और, ये कह रहा है हम आपको $59 में इससे अच्छे डिजाइन देते हैं। ये एक और है बी थीम, ये कहते हैं हम आपको इससे अच्छे और डिजाइन देते हैं, बी थीम के भी दिखाता हूँ डिजाइन आपको, ये इसके डिजाइन भी मुझे बहुत पसंद है। ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये लाइव प्रीव्यू में गया, आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं। आपको कोई और चाहिए हो तो मुझे बता देना, सर मुझे ना ये वाला जरा अच्छा लग रहा है, ये आपके पास है तो मैं आपको वो दे दूंगा, ठीक है, किसी के वो नहीं है, ठीक है, मैं सबको दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, चीजें खरीदी हुई हैं, तो आप लोगों को मैं दे दूंगा अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ। अच्छा अच्छा अब ये देखो
यहाँ पर भी ये देखो इतने सारे डिजाइन है, इन्होंने कितने डिजाइन किए, 500 से ज्यादा इन्होंने डिजाइन बना के रखे हुए, वन क्लिक इंस्टॉलेशन। ये देखो अगर देखो अब मजे की बात क्या है, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मजा आता है इस चीज का वो ये है कि क्लाइंट मेरे पास आता है, क्लाइंट कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है मुझे ना एक वेबसाइट बनवानी है। मैं कहता हूँ कि अच्छा जी आपने किस चीज की वेबसाइट बनानी है, ठीक है। वो कहता है मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो आप मुझे कोई ट्रेनिंग की वेबसाइट बना देंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर देखूंगा, अच्छा यहाँ पर ट्रेनिंग का थीम है, ये तो मेरे पास थीम पड़ा है, ये इन्होंने यहाँ पर सूट भी रखा हुआ ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ये देखो ये बना बनाया, ये देखो यहाँ पर ये सारा कुछ बना हुआ है ये ट्रेनिंग का, यहाँ पर बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसकी कंपनी का नाम होगा, जहाँ पर वो चेंज कर दूंगा, ये सारी चीजें बनी बनाई है, और उसको ये थीम इंस्टॉल कर दूंगा। कितने मिनट लगेंगे, 5 मिनट, उसकी वेबसाइट पर ये सारी चीजें आ जाएंगी, तस्वीरें सारा कुछ, ठीक है। तो ये देखो ये फायदा है ब्रांडेड स्टिच सूट लेने का, ठीक है। ये देखो ये कितने डिजाइन बने हुए हैं और कितने जबरदस्त किस्म के, ये देखो मेडिकल के आजकल कोरोना वायरस के ऊपर चल रहा है, तो ये देखो उसके भी डिजाइन बने हुए हैं, अगर किसी ने बनवानी है वेबसाइट तो ये देखो अभी दिखाता हूँ। ये देखो जी ये कोरोना वायरस के ऊपर ये देखो ये डिजाइन बने हुए हैं, ये ग्लव्स वगैरह सेल कर सकते हो प्राइस लगा के, ठीक है। जरूरी नहीं है ये ग्लव्स, आप इसकी पिक्चर भी चेंज कर सकते हो, जो चीज सेल करनी है वो भी लगा सकते हो, ठीक है। ये मतलब ये कि डिजाइन बना हुआ है, ये देखो, ये देखो कितने जबरदस्त प्रोफेशनल डिजाइन बने हुए हैं। तो मतलब आप ये सारी चीजें प्रोफेशनल मिनटों में बना सकते हो, ये देखो कितनी प्रोफेशनल है। तो 500 डिजाइन है ये, 500 इस एक थीम के अंदर, ठीक है। लेकिन ये सारे थीम की बजाय मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने काम करना है डीवी के ऊपर। अब मैं आपको डीवी भी थीम दिखा देता हूं, पहले मैं उसकी प्राइस दिखा देता हूं कितनी है, ठीक है। अच्छा ये डीवी थीम है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, क्लाइंट इसके बहुत ज्यादा मांग है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर आपको ऑर्डर मिलेंगे इसके मिलेंगे, इवन अपवर्क के ऊपर भी, फाइबर के ऊपर भी, ठीक है। इसके अंदर भी बने बनाए डिजाइन है अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इसका आपको दिखा देता हूँ, ये है प्लान एंड प्राइसिंग। ये देखो अगर पर साल के हिसाब से $89 है और लाइफ टाइम जो है 249, मतलब कम अज कम 45,000 रुपए तक है, ठीक है। ये इसकी प्राइस है, लेकिन ये अभी आप लोगों को फ्री में मैं दे दूंगा, ठीक है। इस चीज की भी टेंशन नहीं लेनी, ये थीम सबसे ज्यादा यूज होता है। अब इसकी किस कहां पर यूज होता है, इससे अर्निंग कर सकते हैं क्या हम, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके मैं आपको डिजाइन भी बने हुए दिखा देता हूं और ये भी दिखा देता हूं कि अर्निंग कैसे कर सकते हो। ये सबसे पहले मैं आपको डिजाइन दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इससे अर्निंग कैसे होगी। अच्छा ये देखो, ये देखो ये लर्निंग मैनेजमेंट के डिजाइन है, एजेंसी के हैं, रेस्टोरेंट के भी हैं डिजाइन, ठीक है। योगा के हैं, वेडिंग की किसी ने वेबसाइट बनवानी है, फोटो मार्केट की बनवानी है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स की बनवानी है किसी ने, ठीक है, ये वाले बेबी सीटर की बनवानी है। ये देखो ये डिजाइन बने हुए हैं, ये देखो ये डिजाइन बने हुए। यहाँ पर व्यू लाइव डेमो पे क्लिक करोगे तो ये सामने आपको डिजाइन नजर आ जाएगा लाइव, ये देखो, ये देखें आप, है ना जबरदस्त, ठीक है। अच्छा अब ये इसे अर्निंग कैसे कर सकते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड के ना क्वेश्चन भी क्लियर हो। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि थीम इंस्टॉल कैसे करना है, आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और क्या थीम इंस्टॉल करने से हम पैसे भी बना सकते हैं, वो भी आपको अभी एक चीज क्लियर हो जाएगी। ओके जी मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं, अभी स्क्रीन पे नजर आएगा आपको। ओके तो राइट नाउ यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये देखो इंस्टॉल थीम, ये मैं लिख रहा हूं जी फाइवर के ऊपर इंस्टॉल थीम। क्या कोई सिर्फ थीम इंस्टॉल करने के पैसे मिलते हैं, तो जी यहां से मैं पता चला इतने लोग कमा रहे हैं सिर्फ थीम इंस्टॉल करने के। और थीम इंस्टॉल कैसे होता है ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा, मतलब ये चीज आप अर्निंग करना सीख सकते हो, ये अगर अभी आप ये कर लोगे तो ये सर्विस आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे थीम इंस्टॉल करने का दे रहे हैं, मैं यहाँ से नीचे प्राइस $US में कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखो $5, $10, $10 थीम इंस्टॉल करके दे रहे हैं जी ये सारे के सारे, ठीक है। और बहुत आसान है, 5 मिनट का काम है, ये आप आज सीखोगे। उसके अलावा
डिवी का मैंने कहा ना डिवी थीम पर काम करो, उसके प्रोजेक्ट ज्यादा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लिखा है डिवी, डिवी लिखा है, ये देखो इसके कितने ऑर्डर हैं, लोग ले रहे हैं, ये देखो ये डिवी पे काम कर रही है 60 ज्यादा रिव्यूज, ये डिवी पे 87, 109, 165, 149, 57, 227, 303, 247, ये देखो जितने भी लोग हैं, ये देखो सबको ऑर्डर डिवी, ये डीवी के हैं लोग, ये देखो डीवी पे कितना ज्यादा काम है। अपवर्क पे देखो कि बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे, $1,000 के भी ऑर्डर मिलेंगे डीवी के। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि डीवी पर काम आपको मैं इसलिए करवाना चाह रहा हूँ कि आप वेबसाइट भी डीवी पे बिल्ड करो। लेकिन अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप डीवी पर काम करो, ठीक है, सर्विस देने के लिए आप डीवी जरूर सीखो। अगर आप वैसे वेबसाइट पे कोई और थीम इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये दोनों चीजों से आप देखो कितना अर्न कर सकते हो, $200-$300 आराम से एक ऑर्डर से अर्न कर सकते हो। तो चलें फिर, थीम इंस्टॉल कैसे करना है, रेडी हो तो जल्दी से एक दफा रेडी लिख दो। अच्छा ये डिफरेंस क्या होता है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन किया अभी, डिफरेंस क्या है भाई इस थीम में उस थीम में। अच्छा हर थीम के ना, हर थीम का को एडिट करने का डिफरेंट वे होता है, सॉफ्टवेयर डिफरेंट होता है। किसी को ब्लॉग्स में एडिट करते हैं, किसी को डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। डीवी का एक तो फायदा क्या है, डीवी का फायदा ये है, एक तो इसको एडिट करना आसान है, ठीक है, इसके अंदर हर किस्म की आप चेंजिंग कर सकते हैं, और ये दूसरा जो प्लगइन है ना, जो फंक्शंस हैं इसके साथ कंपेटेबल है, ठीक है, मतलब हर किस्म के फंक्शंस वगैरह लगाओगे तो वेबसाइट के अंदर कोई इश्यूज वगैरह नहीं आएंगे। मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है, डिफरेंट फायदे होंगे। कुछ थीम होते हैं लोड लेट होते हैं, ये लोड भी फास्ट होता है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो, आप लिख सकते हो गूगल के ऊपर के डीवी वर्सेस ये अवादा या डीवी वर्सेस न्यूज़पेपर, ठीक है, ये डिफरेंट थीम है, आप यहाँ कंपेयर करके देख सकते हो इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, ठीक है। इवन आप चाहो तो सारे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप अगर सीखना चाह रहे हो तो सारे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो चले इंस्टॉल करें, रेडी हो इंस्टॉल करें हम फिर। ओके जी, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। ओके जी, मैं अभी इंस्टॉल करने लगा हूं थीम, ठीक है, और फिर आप लोगों को भी ये क्लियर हो जाएगा, आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा जी, मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको वेबसाइट की। तो ये देखो, ये हम आगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ पर ये डैशबोर्ड तो सबको, सबके पास ओपन है, जब आपने लॉग इन किया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर आना है और थीम के ऊपर क्लिक करना है। अपीयरेंस के ऊपर आने के बाद, थीम के ऊपर क्लिक करने के बाद, आप देखोगे यहाँ पर आपको तीन डिफॉल्ट थीम शो होंगे, तीन डिफॉल्ट थीम है, ये डिफॉल्ट है, ठीक है, ये डिफॉल्ट थीम शो होंगे। आपने इन तीनों को नहीं, बल्कि हम क्या चाह रहे हैं, एक अलग से न्यू करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एड न्यू, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, एड न्यू पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे कुछ बने बनाए ये ऑप्शन दे रहे हैं आपके पास, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपको क्योंकि मैं पेड दूंगा थीम, ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा ऑप्शन दूंगी, तो यहाँ पर अपलोड थीम पे के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर वो कहेगा कि फाइल अपलोड करो, तो यहाँ से हमने क्या करना है, फाइल अपलोड करनी है, ठीक है, जहां पर भी हमारा थीम पड़ा है उसकी फाइल यहाँ से अपलोड करनी है। वो फाइल जो है ना थीम की, वो डॉट जिप में होगी, और ये फाइल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वो फाइल आपने यहाँ से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ओपन करनी है। मैं अभी ओपन करता हूँ, मेरे पास जहाँ पर पड़ी है, ओके जी, राइट नाउ मैं ये फाइल जो है ओपन कर रहा हूँ। ये फाइल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने नहीं परेशान होना, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो एक्टिव हैं, जिस तरह से मैंने आपको कहा था पहले। तो आप सब लोगों ने ईमेल एड्रेस लिख दिया ना, सब लोगों ने, किसी का रह तो नहीं गया।
अच्छा आपको मजे की बात ये लगेगी, लोग इसका थीम इंस्टॉल करने का $5 लेते हैं ना, तो अभी आप देखोगे कितना आसान है। ओके जी, ये मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, ये थीम से फाइल सेलेक्ट की और इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया, तो अभी अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये थीम अपलोड होने में टाइम लेगा, आपने ये नहीं समझ लेना कि बस यार मैंने क्लिक कर दिया इंस्टॉल नाउ पे, हो नहीं रहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करते हैं कि कितना फास्ट है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, आपने वेट करना है। ओके जी, ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, ये फाइल्स जो हो रही है अपलोड हो रही है, और अभी थोड़ी देर बाद ये देखो हो गई अपलोड। अब यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ आ गया एक्टिवेट, ठीक है, थीम पहले इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट लाजमी करना है, प्लगइन भी ऐसी है, पहले इंस्टॉल करो फिर एक्टिवेट लाजमी करना है, तो अब मैं कर रहा हूँ एक्टिवेट, एक्टिवेट कर दिया अपने उसके ऊपर, ठीक है। जैसे मैं एक्टिवेट करूंगा तो आप लोग एक चीज देखोगे, एक्टिवेट मैंने कर दिया, हो गया एक्टिवेट, अब आप एक चीज आपको दिखाऊंगा, अब अपनी वेबसाइट ओपन करके देखो, ये देखो .com तक थी, अब मैं एक दफा ओपन करके देखता हूँ कि अब नजर कैसे आ रही है, यहाँ पर ही ओपन करता हूँ, ये देखो मैं ओपन कर रहा हूँ, पहले वो जो स्क्रीन आ रही थी ना, और अब देखो क्या फर्क क्या हुआ, ये देखो अब ये देखो थोड़ी सी चेंजिंग आई है, यहाँ पर डीबी लिखा हुआ है, ये चेंजिंग आ गई, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम पूरा का पूरा वो जो बने बनाए जिस तरह मैंने कहा था स्टिच सूट है, वो इसको पहनाना चाह रहे हैं, तो वो पहनाने के लोग $5 ले रहे हैं, ठीक है, थीम इंस्टॉल करने और वो सूट पहनाने के $5 ले रहे हैं, तो वो कैसे करना है वो अब आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पर थे, थीम हो गया जी इंस्टॉल, ठीक है, थीम इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ पर देखो ये एक ना आइकन बनाएगा डीवी का, पहले यहाँ पर नहीं था, जब हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया तो यहाँ पर साइड पे डीवी का आइकन बन गया, ठीक है, और इसके अंदर थीम ऑप्शन में आपने जाना है, ठीक है, थीम ऑप्शन के अंदर मतलब ये जो आपने खरीदा होगा थीम, ठीक है, इसकी तमाम ऑप्शन ये देखो, लोगो फिक्स्ड नेव, उसके कलर्स वगैरह, ठीक है, बटन्स वगैरह, सारी चीजें जितनी भी ऑप्शन है ना थीम की, ये सारी यहाँ पर आ रही है, देखो नेविगेशन, कैटेगरी, बिल्डर, लेआउट, एड्स, एसईओ, इंटीग्रेशन, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर आ रही है नजर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसका आप लोगों को यूजर नेम और एपीआई की मैं प्रोवाइड करूंगा, जो कि पेड ही होती है तभी आपको मिलती है, ठीक है, आप लोगों ने वो यहाँ पर लगानी है तभी आप इसकी तमाम चीजें यूज कर सकोगे, ठीक है, तो ये चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जो लोग एक्टिव हैं सिर्फ उनको ही ये चीजें मिलेंगी। मैं अभी ये यहाँ पर लगाता हूँ, एक बार ओके, ये मैंने लगा दिया, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड, ये लग गया है, ठीक है, आप लोगों को मैं ये दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी चला सको, ये पेड है, मैं पहले बता रहा हूँ ये पेड है, आप लोगों को फ्री मिल रहा है, ठीक है, ये वर्थ यूं समझ लो आपको एक किस्म का 10-15 हजार का तो ये फ्री मिल रहा थी, आप इवन के मैं आपको ये भी ज्यादा दे दूंगा, आप क्लाइंट्स के लिए भी यूज करो, इससे बड़ी बात और क्या होगी, ठीक है, आप अपने सारे क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हो, ये भी आपको ऑप्शन दे दूंगा। चलें जी, तो ये थीम सबको पेड मिलेगा, ये वैसे आपको थीम नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो ये एपीआई की वगैरह आपको कोई नहीं देगा। अच्छा, तो ये करने के बाद फिर क्या करना है जी, ये हो गया, अब हम चाह रहे हैं कि इसको वो सूट या वो जो हमने डिजाइन जो भी हमें अच्छा लगता है वो इसको पहना दें, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने क्या करना है, इसके अंदर ये देखो ये थीम के ऑप्शन है, यहाँ पर है डीवी लाइब्रेरी, अच्छा डीवी लाइब्रेरी के अंदर हमारी जो थीम्स हम क्रिएट करेंगे डिजाइन करेंगे वो यहाँ पर सेव हो जाती है, क्योंकि अभी हमने नहीं बनाया, कोई डिजाइनिंग नहीं की, तो यहाँ पर सेव नहीं है, तो हमने क्या करना है, आप डिजाइन करना है, डिजाइन करने के लिए आपने सबसे पहले पेज में जाना है, पेज नजर आ रहा है ना, पेज पेज के अंदर आपने जाके एड न्यू, हम कोई पेज बनाएंगे उसके ऊपर डिजाइन करेंगे,
तो पेज के अंदर आगे एड न्यू पे क्लिक करना, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कोई पेज हो उसके ऊपर डिजाइन लगाए फिर वो शो हो सबको, तो इसलिए हम क्या करेंगे पेज में जाएंगे एड न्यू एक नया पेज बनाते हैं फिर उसके ऊपर वो डिजाइन शो करेंगे। अच्छा पेज में जाके एड न्यू पे क्लिक किया तो थोड़ी देर वेट करना है और ये घूम रहा है इंटरनेट चल रहा है चीजें हो रही है प्रोसेस, थोड़ा सा सब्र करना है ठीक है ताकि ये प्रोसेस हो के आपके पास आ जाए, क्योंकि अभी राइट नाउ ये स्लो इसलिए क्योंकि मेरा लेक्चर इधर भी चल रहा है बाकी जगह भी मेरा नेट यूज हो रहा है और ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज हो रहा है। अच्छा अब ये देखो अब जैसे मैंने ये कर लिया तो ये मेरे पास ये स्क्रीन आ जाएगी, अब सब लोगों के पास ये स्क्रीन आएगी। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ यूज डीवी बिल्डर, डीवी बिल्डर क्या है जहां पर हम डिजाइन करेंगे तो सबने क्या करना है क्लिक करना है यूज डीवी बिल्डर, कि हमने डीवी इंस्टॉल इसलिए किया है ताकि हम इसके ऊपर डिजाइन कर सकें, तो क्लिक करना है यूज डीवी बिल्डर, क्लिक कर दिया ये हो रहा है प्रोसेस ठीक है, यहाँ पर वेट करना है। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बता दो कि बोर तो नहीं हो रहा ना कोई, जल्दी से बताओ बोर तो नहीं हो रहा कोई, मुझे तीन ऑप्शन दे रहा है, क्या आप इसको बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करना चाहते हैं या कोई बने बनाए डिजाइन इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, लिखा हुआ ना चूज अ प्रीमेड लेआउट बने बनाए डिजाइन, क्या कोई और पहले आपने बनाया हुआ है वही दोबारा इसके ऊपर लगाना चाह रहे, तो इन तीनों में से मैं ये वाला चूज करूंगा क्योंकि मैं बना बनाया लगाना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये देखो बने बनाए डिजाइन जो इसके अंदर पेड अवेलेबल थे, क्योंकि मैं आपको की दे दूंगा पासवर्ड यूजर नेम दे दूंगा तो ये आपके पास आ जाएंगे। देखो अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा आपको डिजाइन अच्छा लगता है जो बना बनाया, ये इतने सारे डिजाइन बने हुए हैं कौन सा लगाएं, ये वाला लगा दें ये एसईओ एजेंसी वाला या ये लगा दें डिजिटल पेमेंट्स, और भी हैं वैसे तो ये अभी नेट स्लो चल रहा है तो अभी बाकी ओपन हो जाएंगे। अच्छा ये लगा देते हैं एसईओ एजेंसी वाला, यूज शॉप भी है बेबी सीटर भी है फूड रेसिपीज हैं टी शॉप है आथर है डॉक्टर ऑफिस है, ये लगा दें डॉक्टर ऑफिस अगर आपको समझ आए तो, ये बाद में रिमूव भी हो जाता है। अच्छा ये इस बात से आप लोगों ने नहीं डरना कि मैंने एक दफा लगा दिया फिर पता नहीं बाद में खत्म होगा ये नहीं होगा, हो जाएगा खत्म ठीक है, इस चीज की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने ठीक है, सारा कुछ हो जाता है, जितना मर्जी पंगे लेने हैं इसे खेलने खेलो कोई इशू नहीं होगा ठीक है। तो लेट्स सपोज इसमें से कौन सा लगाएं, तो ये चूज करना बड़ा मुश्किल होता है, बंदा कहता है ये लगाएं वो लगाएं, अच्छा चलो ये लगा रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ठीक है, ये मैं लगा रहा हूँ जी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये मैंने ये थीम मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है यूज दिस लेआउट तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये देखो यूज दिस लेआउट, ओके राइट नाउ मेरी ये सब्सक्रिप्शन जो है वो एंड हो चुकी है आई थिंक, शायद आज एंड हुई है, तो ये मैं इसको देख लेता हूँ, मैं दोबारा ये रिन्यू करूंगा सब्सक्रिप्शन तो ये हम लगा सकेंगे ठीक है। मैं अभी राइट नाउ कोई और देखता हूँ, आई थिंक फीवर है एक मिनट, ये आपको मैं रिन्यू सब्सक्रिप्शन करके ये सारे प्रोवाइड कर दूंगा, ओके गिव मी जस्ट 5 मिनट मैं इसको बुक कर लूँ। Just give me 5 minutes. मैं अभी इसको वो करता हूँ।
अभी क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको दोबारा वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और इसको मैंने रिन्यू करना है, ठीक है। तो राइट नाउ अभी मैं आपको एक और थीम पे भी बता देता हूँ, करना है इसी तरह से। सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ हमने वहां पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है, सारा का सारा यहाँ पर पूरा टोटली थीम आ जाएगा। मैं उसकी भी वीडियो बना के आपको फिर दिखा दूंगा कि किस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो राइट नाउ हम अभी आपको एक और थीम के ऊपर मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। तो ये बड़ी ना अनफॉर्चुनेटली वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि कल ही चल रहा था और आज एक्सपायर हो गया और मुझे याद नहीं थी डेट। ओके कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा, सब लोगों को मिलेगा। राइट नाउ अभी मैं एक और थीम मेरे पास भी पड़े हैं तो उनमें से कोई भी थीम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए आइडिया क्या है ये इंस्टॉल करने का, ठीक है। नेट भी थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके जी ओपन हो गया हमारे पास। अच्छा अभी क्योंकि मैंने डीवी किया था, डीवी की जो सब्सक्रिप्शन थी वो राइट नाउ मेरी एंड हो चुकी है तो मैं उसको रिन्यू करके आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपके आपको डीवी वाला क्लियर हो जाए, मैं आपको सब लोगों को चाहता भी हूँ कि आप डीवी सीखें, लेकिन अभी राइट नाउ आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरह से ये थीम यूज करते। दोबारा मैं थीम में जाके एक और थीम भी पढ़े मेरे पास और भी बहुत सारे पढ़े तो उसमें से कोई भी कर देता हूँ, ठीक है। ये दोबारा एड न्यू, जो भी थीम करना है एड न्यू पे क्लिक करना, ठीक है, और अपलोड, और यहां से मैं कर देता हूँ न्यूज़पेपर थीम पड़ा है मेरे पास, ये भी बहुत जबरदस्त है, ये न्यूज़पेपर के लिए मोस्टली लोग यूज करते हैं। ये देखो इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इंशाल्लाह, ये जल्दी हो जाएगा। अच्छा इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि वो फाइल्स अपलोड हो रही होती हैं तो उसको अपलोड होने देना है, ठीक है। और ये अभी जो हम थीम इंस्टॉल कर रहे हैं मैं आपको दोबारा बता दूं, इसके लोग चार्जेस लेते हैं और ये बहुत आसान है। ये देखो थीम अपलोड किया, एक्टिवेट किया, ठीक है, ये आगे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन, ये कह रहे हैं ये प्लगइन ना जरूरी है इसके लिए, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं इंस्टॉल और एक्टिवेट, मतलब ये प्लगइन भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे और एक्टिवेट, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने कर लेना। ये न्यूज़पेपर थीम है, ये नंबर वन सेलिंग न्यूज थीम ऑफ ऑल टाइम, ये बहुत फास्ट है, फ्रेंडली भी है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। मैं भी आपको इसके भी डिजाइन दिखाता हूँ तो आपको आइडिया होगा। अगर आप ब्लॉग पे काम करना चाह रहे हैं, ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो ये देखें ये हो रहा है सक्सेस इंस्टॉलिंग प्लगइन, ठीक है। ये चार जब पूरे हो जाएंगे तो फिर हम डिजाइन पे आ जाएंगे। ओके ये हो गए हमारे पास इंस्टॉल और एक्टिवेट भी हो गए। देखो ये टिक आ गया, प्लगइन्स हैव बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। और अच्छा अब ये देखो साइड पे न्यूज़पेपर आ गया, पहले यहाँ पर डीवी आया था ना क्योंकि डीवी किया था, अब न्यूज़पेपर थीम किया न्यूज़पेपर आ गया। अब इसी के अंदर देखो इंस्टॉल डेमोज, यहाँ पर ये डिजाइन है डेमोज, ठीक है, बने बने डिजाइन है तो इसमें से हमको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जो भी थीम होगा उसके अंदर बने बने डिजाइन होंगे अवेलेबल, आप वो कर सकते हो। ये देखो ये डिजाइन बने हुए हैं इतने सारे, ठीक है। इसमें मुझे जो सबसे अच्छा लगता है ना वो है टेक न्यूज, टेक न्यूज, टेक न्यूज, ये है टेक न्यूज, ठीक है। इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ कि कैसा नजर आएगा। हम अपनी वेबसाइट पे अगर ये थीम लगा देते हैं, ये इसको पहना देते हैं तो हमारी वेबसाइट का पूरा लुक ऐसे हो जाएगा, आपके लिए बहुत जबरदस्त है। ये देखो इस तरह से आपकी पोस्ट आ जाएंगी और जबरदस्त किस्म का एक बना बना डिजाइन आ जाएगा, ठीक है। ये देखो कितना जबरदस्त है,
ब्लॉक टाइप, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ क्योंकि टाइम काफी हो गया। इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, इंक्लूड कंटेंट पे अगर टिक होगा तो कंटेंट भी इसका, पोस्टिंग वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। तो मैं अभी इसको ऐसे ही इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये देखो इंस्टॉल हो रहा है, बस इतना सा काम है। उस वक्त भी सिर्फ हमने इंस्टॉल पे क्लिक करना था, वो हो जाता, सारा कुछ आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो हमने सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक किया, हो गया। ये अभी देखना जैसे कंप्लीट होगा, हमारे पास पूरी वेबसाइट रेडी मेड तैयार होगी, वैसी की वैसी, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो जो है ये सही करके उसकी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को वो चीज भी क्लियर हो जाए, ठीक है, डीवी थीम के बारे में। तो वो मैं जब अपलोड करूंगा आपको बता दूंगा। लेकिन ये थीम SSL सबका एक्टिवेट होना चाहिए, आपकी मेन असाइनमेंट ये है, ठीक है। थीम जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो वो भी आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहां तक वैसे ये बता दो कि यहां तक क्लियर है सब कुछ, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा? अगर आप टेक न्यूज का ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। अभी देखना, अभी वेबसाइट को आप देखो, दिखाऊंगा। ओके, जबरदस्त। अच्छा अब ये देखो हो गया इंस्टॉल, अब मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। ये देखो वेबसाइट अब कैसी है, ये इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखो ये शेख सना अशरफ डॉट कॉम, आप अपने पास भी ओपन करके देखोगे ये नजर आएगा। ये देखो ये डिजाइन पूरा का पूरा इसको पहना दिया, बना बनाया डिजाइन। तो ये जो अभी बना बनाया डिजाइन पहनाया ना, ये कितने मिनट लगे हैं? 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। तो इसके $5 लेते हैं लोग फाइवर पे, तो आप भी ले सकते हो, आसान है मुश्किल है, ठीक है। और डीवी के ऊपर थीम्स को एडिट करने के वो तमाम चीजों के उसके लोग $200-$300 लेते हैं, वो चीज मैं आपको समझा दूं। तो यहां तक बताओ आसान है, कर लोगे सारे, ठीक है। इसको एडिट कैसे करना है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, थीम को एडिट कैसे करना, ठीक है। ये चीज मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। ओके जी, आज के लेक्चर के लिए इतना था कि आपको ये चीजें समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें समझ आ गई हैं, ठीक है, तो आप कोई भी वेबसाइट के अंदर किसी भी किस्म का थीम कर सकते, किसी को भी बना के दे सकते हो। आपके रिश्तेदारों में कोई है, किसी को वेबसाइट बनवानी है, उनको कहो कि ठीक है मैं बना दूंगा। कितने मिनट लगेंगे? थीम मैं आपको दूंगा, 5 मिनट आपको लगेंगे। उसके अंदर बाकी जो चीजें लोगो शो को चेंज करना होगा, वो कैसे करना है वो मैं अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो ये करना बहुत आसान है, आप सारे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ताकि मैं आपके क्वेश्चन क्यूरीज वगैरह क्लियर कर दूं। फेसबुक लिंक्स वगैरह पे अक्सर कर देता है। देखो प्लांट के लिए वो फिर डीवी ही आप करना। अगर आप होस्टिंग जहां से ले रहे हो, अगर वो फ्री SSL दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जहां पर अगर आप में से कुछ लोग हैं जहां से ले रहे हैं वो नहीं दे रहे, तो अब ये मेथड आपने यूज करना। हाँ, ईमेल इधर ही टाइप करनी है आप लोगों ने। ओके जी, आज के लेक्चर के लिए इतना था। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ग्रुप के अंदर पोस्ट करके मुझे टैग कर दीजिएगा। ये थीम मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो यहाँ पर ईमेल छोड़ देगा वो भी मिल जाएंगे, जॉब पोर्टल वाले भी मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप क्लाइंट को इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, तो वो भी यूज कर सकते हैं जितने अरसे के लिए आपने खरीदा होगा, ठीक है।
ठीक है, लेकिन हर थीम नहीं होता कि वो बहुत अर्से के लिए आप यूज कर सकते। ये बाकी थीम है ना जिस तरह $59, वो ये होता है लिमिटेड एक साल के लिए, वो आप क्लाइंट को भी नहीं दे सकते। तो हर टीम की डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।